मैं आप लोग को एक चीज़ नज़ारा दिखाता हूँ कैसे ये लोग गुजारा करते हैं। मैंने किस भी दिए इनको जैकेट वैकेट मफलर वफलर दी है साहब मुझे नाम भाई सही है तालबर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूर तक कुछ नहीं मिलेगा भाई, दूर तक। जा रहा था तो रास्ते में रुका, मैंने दिख रहा आप लोग को कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की कुछ अपडेट्स, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे अजनबी लोगों के लिए खास जो बात होती है, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई अरब में काम करते हैं, दो चार पाँच साल लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन जब वो अपने घर आते हैं या फिर एक साल के लिए जाते हैं, दो साल के लिए जाते हैं, वहाँ रुकते रुकते टाइम इतना हो जाता है घर की ज़रूरतों को लेकर के, जब वो वापस आते हैं अपने इंडिया, देन उनके साथ क्या सलूक होता है, वो पूरी बात करेंगे इसमें, क्योंकि एक कहानी है जो कि रियल है, प्लस हमारे इंडियन भाई फंसे हैं सऊदी में, उनके लिए भी ज़रूरी अपडेट्स है। इसमें वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। अगर आप सऊदी में काम करते हैं, आप पहली बार गए हैं या पुराने हैं, तो आज की वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए और लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या है, अपना ही फ़ायदा है और नए नए लोगों को ही पहुंचेगा फ़ायदा, और आपकी दिल की बात भी हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। ये हर किसी के साथ 99% होता है। प्लस 17 साल पुराना एक केस के बारे में भी बात करूँगा जो इंडिया में हुआ, अब सऊदी अरब में पुलिस आ चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो प्यारा सा। आइए न्यूज़ जानते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जिट लगाते हैं, अगर हम फैमिली ड्राइवर का काम करते हैं, ठीक है, एग्जिट लगाते हैं कंपनी वाले या कफील कोई भी लगाता है, अगर हम पे कोई बैन वगैरह लगा हुआ है, तो क्या हम सऊदी में दोबारा आ सकते हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी लोग छुट्टी में जाते हैं वो 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं। आप सबको पता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अगर आप नए हैं पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं तो 3 महीने का आपका ये वीज़ा होता है, देन 3 महीने के अंदर अंदर ही आपका कफील आपका एक काम बनाएगा, ठीक है। अगली बात ये है कि अगर आपका एग्ज़िट लगाया जाता है, एग्ज़िट अगर आपका लग जाता है, अगर आप एग्ज़िट 60 दिनों के अंदर आप वापस नहीं आते इंडिया या किसी भी देश, देन आपका एग्ज़िट एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको जुर्माना लगता है। ये सब सवाल रिफ्रेशनेस है। प्लस अगर आप कंपनी के थ्रू या कंपनी या कफील के यहाँ काम कर रहे थे, आप वहाँ से भाग जाते हो, देन वाइट पासपोर्ट या किसी भी तरह की तरह के जरिए आप इंडिया आते हो, तो आप पर लगभग अब जो है लगभग लाइफ टाइम बैन लगा रहे ये लोग। लेकिन अगर कोई छुट्टी में आता है, जैसे कि मैं आया था और मैं वापस नहीं गया सऊदी अरब, तो मेरे ऊपर 3 साल बैन लग चुका है, लेकिन मेरी बात कफील से होती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद अभी वेटिंग में हूँ, मैं आने वाले दिनों में आपको अपडेट्स दूंगा। हम बात करेंगे भारत में काम कर रहे हैं हमारे इंडिया के लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो सऊदी में भी काम कर रहे हैं। जो न्यूज़ है मैंने परसों अपडेट शेयर की थी आप लोगों को, मैं फिर से वही अपडेट शेयर करूंगा क्योंकि आज फिर से अपडेट आया है। भारत में हत्या की और 17 साल से फरार सऊदी अरब में अधिकारियों के पास, मतलब वो मिल चुका है। अब ये जो बात है मैंने पहले भी बताया, आपको फिर से बता रहा हूँ, भारतीय पुलिस को 17 साल पहले का एक क्राइम क्रिमिनल की तलाश थी। इस मामले में सऊदी सुरक्षा अधिकारियों ने सऊदी इंटरपोल के साथ मिलकर भारतीय आरोपी मोहम्मद अनीफा को पकड़ लिया है, जिस पर व्याथ्री जंगल पार्क रिजॉर्ट के मालिक अब्दुल करीम की हत्या का आरोप है। वह विदेश भाग गया था, ये आरोप है इनके ऊपर, ठीक है। तो मामला क्या है बताते चले कि भारतीय अखबार मातृभूमि के रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 2006 में केरल में हुई थी, जब दोनों के बीच आर्थिक मामले को लेकर अनबन थी। पिछले साल नवंबर में आरोपी के खिलाफ अलर्ट जारी किया गया था, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 11 अभियुक्त थे, जिनमें इंडियन कोर्ट को फर्स्ट इंस्टेंस में ने 7 के लिए फैसला लिया था और 2 को बाद में छोड़ दिया गया था। अब जाकर इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जो मेन था वो कौन है जो कि भारत से भागकर अरब में छुपा हुआ है, उसका नाम है मोहम्मद अनीफा। तो सऊदी अरब में लगभग 17 साल से मोहम्मद अनीफा नाम का आदमी, वो इन मतलब अपने मुस्लिम भाई का मर्डर करके उनको मार के 17 साल से सऊदी में छिपा हुआ था। अब इंटरपोल के जरिए उनकी गिरफ्तारी की जा रही है 17 साल के बाद। तो आप इंडिया में अगर आप कोई कांड करके सऊदी भाग रहे हो, कहीं विदेश भाग रहे हो, तो
तब बच नहीं सकते आप, आपको बुलाया ही जाता है और आपको पकड़ा ही जाता है, और आपके खिलाफ जो केस वगैरह है वो तो होना ही होना है। ठीक है, कपड़े पे मत जाओ, ऐसे ही आ गया हूँ, कहीं मैं काम से गया था इसीलिए जो मैं ना पहन के वीडियो बना रहा हूँ। तो 17 साल के बाद आप देख सकते हो कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई भी कांड करके मत आइए जो कि आपके ऊपर प्रॉब्लम हो। अब 17 साल का पुराना केस अब जाके ये जारी किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपडेट दीजिए मेरे को। अब मैं अगली अपडेट आपको शेयर करूंगा, जो कि हमारे हिंदू भाई हैं माशाल्लाह, इनका नाम है रत्नेश, जो आप देख सकते हैं इंडियन एम्बेसी से इन्होंने हेल्प मांगा है। यह व्यक्ति रत्नेश कुमार रियाद में फंसा हुआ है, एम्बेसी ने इनको इमरजेंसी पासपोर्ट भी जारी किया था, लेकिन एयरपोर्ट वालों ने वापस लौटा दिया। इंडियन एम्बेसी वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उनके गार्जियन, उनके लिए भगवान हैं, प्लीज़ इनको एक फ़ोन कर लीजिए, इनकी परेशानी को समझ लीजिए। तो रत्नेश भाई का जो है एक इमरजेंसी पासपोर्ट भी जारी किया गया, लेकिन इनको एयरपोर्ट पर वापस कर दिया गया। इंडियन एम्बेसी की वजह से ही प्रॉब्लम में फंसे ये। अब मालूम नहीं इनके आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, नहीं है, बट इन्होंने कहा है कि हमें आप कांटेक्ट कीजिए ऐसे ऐसे करके। तो फिर इन्होंने का रिप्लाई आया यहाँ पे, ओके सर थैंक्स, हम आपको मेल करते हैं 2 से 3 बजे के अंदर में, ठीक है। और इन्होंने मेल वगैरह कर दिया, सर प्लीज़ इसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मतलब इनका शायद कोई प्रॉब्लम होगा आई थिंक सो कफिल वगैरह से। तो इनका इंडियन एम्बेसी, अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख रहा है तो प्लीज़ आप इनकी मदद कर दीजिए, आई थिंक सो मिल जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह पक्का। आप लोग दुआ कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, या ट्विटर पे आके इनके ट्विटर को ट्वीट कीजिए। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आप सब लोग सऊदी में कितने सालों से रहते हैं मुझे ये बताइए, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, कमेंट में बताइए। अब जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई अपडेट नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, और ये स्टोरी में पढ़ने के बाद मैं खुद मायूस हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो इस पार्ट को काट के भी शेयर कीजिए। सऊदी गए, 5 साल हो गया था, वापस लौटा तो अब्बा भी गुजर गए थे। जब घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बहन है तेरी, 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए, पहला 1 साल कर्ज उतारने में चला गया, दूसरा तीसरा साल भाई बहनों की शादियों में भेंट चढ़ गया, चौथे साल कुछ बचत करने वाला सोचा कि घर पहुंचूं तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर उन वो अब्बा गुजर गए, फिर बूढ़ी माँ घर पर अकेली थी, कोई लेकिन कोई बचत नहीं हो पाई, हिम्मत नहीं हो पाया। 5 साल गुजरने के बाद खाली हाथ घर जाऊँ, लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने कहा, भैया घर आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ। कहा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ उधार बाकी करके टिकट लेके वापस आ गया, कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं थी, अब यहीं कुछ कर लूँगा इंडिया में जो काम करना हो। आने के बाद दूसरे दिन बहन से मिलने गया, अब बच्चों वाली हो चुकी है बहन, आते वक्त भांजों के लिए भांजों के हाथ में 100 रुपया रख कर वापस हुआ, पहली बहन के पास, ठीक है, पहली बहन के पास गया तो वहाँ बच्चों के हाथ में 100 रुपया देकर आया एक भाई। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचा तो भाई इनके पास तो पैसा ही ख़त्म था, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक कुछ आसपास में ही थी बहन, तो वहाँ भी वो मिल के आ गए। लेकिन वहाँ से वापसी होने पर भांजे के हाथ पर उन्होंने दूसरी बहन को जो है कोई पैसा वगैरह नहीं किया, नहीं दिया, ठीक है। तो मालूम पड़ा घर आने के बाद कि पूछा, अम्मा ने बताया कि एक बहन का फ़ोन आया था, बोली भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था, मेरे बच्चों के हाथों पर 100 रुपये रख के गया, इतना हम तो फकीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली, 5 साल बाद भाई सऊदी से आया था, अगर बच्चों को हाथ में 10 रुपये भी रख देता तो बच्चे कहते कि मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी ससुराल में, मेरे खाली हाथ चले गए, मैं अब खड़ा रहा, पिछले 5 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था। अब आप मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या हुआ। 5 साल लगातार इन्होंने काम किया, बहनों की शादी की, सब कुछ किया, अब्बा गुजर गए, किसी तरह से काम किए, कोई बिना पैसा कौड़ी के किसी तरीके से टिकट का पैसा जुड़ा करके वो घर पहुंचे। पहली बहन के यहाँ गए, उन्होंने अपने भांजों को जो पैसा थोड़ा बहुत था, एक तो वो आया ही था किसी कर्जे से लेकर के टिकट विकट, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रहा है, सारा कुछ खत्म हो गया, आप कमा के कहाँ जाएंगे। एक बहन के आगे 100 रुपया दिया, दूसरे बहन के आगे कोई पैसा नहीं दिया, तो वो लड़ना दे रही है। बताओ 5 साल काम करने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया, ये एक रियल घटना है और ये रियलिटी है अभी की। और मैं कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे भाइयों के साथ मैंने बात की है, जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, उनकी खुद की दिली बात मैंने सुनी है और रिलेट करता हूँ मैं। जो बोलते हैं ना गार्जियन गार्जियन की बात मानो, भाई बहन का प्यार ऐसा होता है, सच बोलता हूँ, जो बाहर देश रहता है ना उसको असली मालूम होता है कि हमारे भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार कैसे हैं असली में। इंडिया में रह के आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मुझे कमेंट कीजिएगा इस बारे में, वीडियो शेयर कीजिएगा, दो मेरा दर का अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।